सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार यूपी पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे कि आखिर पुलिस उन लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है जिन्होंने इस पूरी घटना की पटकथा लिखी थी। सवाल उठ रहे थे कि आखिर उन बदमाशों को आसमान निकल गया या फिर पाताल। लेकिन इन तमाम सवाल का अंत आज यूपी पुलिस की टीम ने कर दिया है। जी हाँ, मैं मुस्कान अजमानी, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। और हम बताएंगे कि आखिर यूपी पुलिस ने अतीक के बेटे असद और उसके शूटर गुलाम के अंत की कहानी कैसे लिखी। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए पहले आपको समझाते हैं कि किस तरीके से मिट्टी में मिला दिए गए अतीक के शूटर, अतीक के मिट्टी के शेर। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम ये समझाने की कोशिश करते हैं। अतीक के शेर मिट्टी में ढेर, खौफनाक जुर्म की कहानी का दर्दनाक अंत। मिट्टी में मिला अतीक का शूटर, कभी देखते बनता था रुतबा, आज ढह गई सल्तनत। इजराइल जैसी कुटाई का मजा लीजिए अपने ही देश में, अगर अपराध किया उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, इस पूरी शायरी को यूपीएसटीएफ ने एक बार फिर से काबिज किया है। आज यूपीएसटीएफ ने उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े लोगों के शूटरों का चौथा विकेट गिराया है। चौथा विकेट झांसी में गिरा तकरीबन 12 से 1 के बीच में, और यूपीएसटीएफ को एक बार फिर से बहुत बड़ी सफलता मिली। तो इस सफलता को सीएम योगी ने भी सराहा, स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने भी काफ़ी तारीफ करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कुल मिला के देखा ये जा सकता है कि अभी तक फिलहाल 4 विकेट गिर चुके हैं और तकरीबन जो शूटर थे वो 3 विकेट गिरना अभी बाकी है। हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये आज दिन की तस्वीरें हैं जब असद का एनकाउंटर कर दिया था। लेकिन वहीं हम आपको ये भी तस्वीरें दिखाएं कि आखिर इस पूरी कहानी की शुरुआत कैसे हुई थी। ये वही शूटर है जिसे आज एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। लेकिन अब ये जानना भी बेहद जरूरी है कि ये जो भी माफिया थे ये लगातार पुलिस से बचने का, भागने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं कि आखिर झांसी तक कैसे पहुंचे थे असद और गुलाम। हत्याकांड के बाद से प्रयागराज से कानपुर पहुंचे, प्रयागराज से कानपुर जाने के लिए बाइक का सहारा लिया, कानपुर से दोनों ने नोएडा के लिए बस पकड़ी। पहले से ही दोनों के कई साथी मौजूद थे, दोनों को ऑटो में बिठाया, दिल्ली के संगम विहार तक लेकर गए। दिल्ली में 2 हफ्ते से ज्यादा तक वक्त बिताने के बाद दोनों अजमेर पहुंचे, अजमेर में भी दोनों कुछ दिन तक रुके, अजमेर से दोनों वापस झांसी चले गए। तो ये थी पूरी कहानी असद और गुलाम की झांसी तक पहुंचने की। अब आपको ये बताएंगे कि आखिर यूपी की एसटीएफ टीम झांसी तक कैसे पहुंची। माफिया अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद और शूटर गुलाम इनकाउंटर में मारा गया, तो उसके बाद यूपीएसटीएफ ने उसके पास से विदेशी ब्रांड की पिस्टल भी बरामद की। और मीडिया में खबर ये भी चल रही है कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए अतीक अहमद तक हथियार पहुंचता था और कहीं ना कहीं अतीक अहमद के आईएसआई से भी संबंध बताए जा रहे हैं। फिलहाल यूपीएसटीएफ लगातार खाक छान रही है। तमाम जो प्रदेश हैं, तमाम ज़िले हैं, उनमें नंबर ट्रेस किए जा रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है और लगातार इस तलाश पे सफलता मिली। और आज तकरीबन 12 से 1 के बीच झांसी में यूपीएसटीएफ ने भाग रहे दोनों शातिर अपराधियों को मार गिराया। तो अतीक के बेटे असद को आज एनकाउंटर में मार गिराया गया नोएडा के रास्ते गाजियाबाद, फिर गाजियाबाद से कैसे अतीक झांसी पहुंचा ये हमने आपको दिखाया। लेकिन अब आपको ये दिखाएंगे कि आखिर झांसी कैसे पहुंची यूपीएसटीएफ की टीम। यूपीएसटीएफ को अतीक के कई करीबियों की झांसी में होने की जानकारी मिली। झांसी से पुलिस ने 2 मददगारों को हिरासत में लिया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ भी की। अतीक के पुराने करीबियों ने असद और गुलाम तक को पनाह दी।
तो वहीं अतीक के बेटे असद और गुलाम का एनकाउंटर करने वाले यूपी के अफसरों के साथ पूरी टीम की चर्चा हर तरफ हो रही है, लेकिन एनकाउंटर वाली टीम में कौन कौन शामिल है चलिए ये भी आपको बताते हैं। तो काउंटडाउन में शामिल अतीक केचारे, डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार, डिप्टी एसपी विमल कुमार सिंह, एसपी अनिल कुमार सिंह, एसपी ज्ञानेंद्र कुमार, दारोगा विनय तिवारी, हेड कांस्टेबल पंकज तिवारी, हेड कांस्टेबल सोनू यादव, हेड कांस्टेबल सुशील कुमार के साथ हेड कांस्टेबल सुनील कुमार और उनके साथ साथ हेड कांस्टेबल भूपेंद्र कुमार और कमांडो अरविंद कुमार के साथ ही कमांडो दिलीप कुमार यादव इस पूरे एनकाउंटर की टीम का हिस्सा रहे। तो ये हमने आपको बताया कि पूरे एनकाउंटर की टीम में आखिर कौन कौन शामिल था, तो ये रही पूरी टीम की लिस्ट। लेकिन अब उन दो अफसरों के बारे में भी जानिए जिनकी हर तरफ तारीफ हो रही है। उनका नाम है नवेंदु कुमार नवीन। जी हाँ, नवेंदु कुमार यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर में भर्ती हुए थे, सब इंस्पेक्टर, और अब यूपी पुलिस में पीपीएस अधिकारी हैं। अभी नवेंदु सिंह फिलहाल सीओ हैं और फिलहाल नवेंदु सिंह यूपी एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट में बीते 8 साल से काम कर रहे हैं और 4 साल से प्रयागराज एसटीएफ यूनिट के प्रभारी है। यूपी पुलिस की वेबसाइट के मुताबिक नवीन एसटीएफ में डीएसपी है जिनकी पोस्टिंग जिला लखनऊ है। वहीं नवीन का जन्म 3 अगस्त 1967 में बिहार के सारण में हुआ था। उनके पिता का नाम भोलानाथ राय है। नवीन 2017 के कैडर के पुलिस अधिकारी है और नवेंदु को साल 2017 में स्पेशल टास्क फोर्स तक में शामिल किया गया था। जबकि अगर विमल की बात करें तो विमल सिंह यूपी एसटीएफ के लखनऊ मुख्यालय पर डिप्टी एसपी के पद पर है। नवेंदु की तरह विमल सिंह सब इंस्पेक्टर से यूपी पुलिस में भर्ती हुए थे और यूपी एसटीएफ में तैनाती के दौरान पूर्वांचल के कई बड़े माफियाओं पर कंजा कसने में विमल सिंह के मुखबिरी नेटवर्क की काफी अहम भूमिका बताई जाती है। वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले हैं और साल 2018 कैडर के पुलिस अधिकारी भी हैं। लेकिन आज माफिया अतीक के बेटे को मारते हुए यूपी एसटीएफ ने अतीक के साम्राज्य का पतन तक कर दिया है। आखिर अब तक कैसे बचता आ रहा था असद, ये भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही जो सभी उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी हैं फरार चल रहे थे, उनमें असद का भी नाम था। लेकिन आज असद का एनकाउंटर हो गया। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि आखिर इतने दिनों तक असद जो है वो बचता कैसे आ रहा था। यूपी एसटीएफ ने 2 अप्रैल को अतीक अहमद के जीजा को गिरफ्तार किया। जीजा अखलाक को मेरठ से गिरफ्तार किया गया था। अखलाक को शूटरों को छिपाने और उनकी भगाने में मदद करने के इल्जाम लगे। हत्याकांड के कई दिनों तक असद दिल्ली में ही छिपा था और दिल्ली से ही उसका कोई साथी मेरठ गया था। तो अब तक कैसे बचता आ रहा था असद, इसके बारे में भी हमने आपको बताया, क्योंकि एक बेहद ही बड़ा हत्याकांड था जिसके बाद से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे। तो वहीं अब इन सब के बीच अतीक की 4 दिन की रिमांड को मंजूर कर लिया गया है। पुलिस ने कोर्ट से अतीक की रिमांड के लिए 14 दिन मांगे थे, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड को मंजूर कर लिया है। वो अपराधी जिन पे 5 लाख का इनाम घोषित हुआ था, उसमें अरमान, असद, गुड्डू और साबिर शामिल थे। लगातार हमारी एसटीएफ और सिविल पुलिस की टीमें इस महत्वपूर्ण घटना के अभियुक्तों को अकाउंट फॉलो करने में लगी थी। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि इस घटना के संबंध में पुलिस की वारंट बी इस लेके टीम 2 महत्वपूर्ण जगहों पर गई थी तथा साबरमती तथा बरेली से, जो इसमें 2 साजिशकर्ता नामजद थे एफआईआर में, उनको लाया गया था। इस तरह के डेंजरस इनपुट थे कि स्थानीय स्तर पे या रास्ते में
कॉन्वॉय पे हमला करके अपराधियों को छुड़ाया जा सकता है। और जिस तरह की जघन्य हत्या इन लोगों ने 24 फरवरी को की थी, उसको देखते हुए हमारी स्पेशल फोर्सेस तथा सिविल पुलिस की विशेष टीमें लगाई। तो स्पेशल डीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जहां इस पूरे एनकाउंटर के बारे में जानकारी दी, तो इस एनकाउंटर में जहां बीजेपी यूपी एसटीएफ की पीठ थपथपा रही है, तो वहीं तो विपक्षी पार्टियां इस एनकाउंटर में सरकार को घेरती हुई नजर आ रही हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं एनकाउंटर पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश फेक एनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर है। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दाव पर रख कर के सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। वो मेरे आमने सामने की बात है, वो मेरे आमने सामने और सदन की बात है। क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री मिट्टी में मिला दें? मैं कहता हूँ बलिया में जो उनके लोगों ने, मुख्यमंत्री के स्वजाती लोगों ने एक यादव नौजवान की जान ले ली, क्या उनको मिट्टी में मिलाएंगे? क्या कानपुर में जिन अधिकारियों ने, जिस पुलिसकर्मियों ने, जिस प्रशासन के लोगों ने एक माँ बेटी की जान ले ली बुलडोजर से, जल जल करके मर गई पिता के सामने, मुझे कोई घटना बता दे कि एक पिता के सामने माँ बेटी जल करके मर गई हो, क्या उनको मिट्टी में मिला देंगे? हुकूमत में हरियाणा में नहीं मारा गया क्या? हरियाणा में नहीं मारा गया? किसकी हुकूमत है वहां पर? क्या घरों को तोड़ दिया नहीं जाता बुलडोजर लगाकर? क्या गोलियां मारकर एनकाउंटर नहीं कर दिया जाता? बताओ क्या एनकाउंटर नहीं किया जाता? अरे एनकाउंटर कर दिए तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों। एनकाउंटर का बात नहीं है, बात यह है कि कोई अपराधी अगर पुलिस से भिड़ेगा तो मारा जाएगा। तो इस तरह जो है मुठभेड़ हुई और अपराधी बचने के लिए कुछ ना कुछ पुलिस पे अटैक कुछ करते हैं, और वो भागा हुआ था, फरार था, तो इस तरह हरकतें कर रहा था जो पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट धन्यवाद है, आभार है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माफियाओं का कमर तोड़ा जा रहा है, मैं उत्तर प्रदेश के माफियाओं से अपील करूंगा, जब तक बीजेपी की सरकार है और बाबा मुख्यमंत्री हैं, तब तक या तो प्रदेश छोड़ के चले जाओ या तो शांत हो जाओ। मैं तो अपनी सरकार को बधाई दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री को दूंगा, जो सदन में बोला था कि उत्तर प्रदेश को हम सर्वोत्तम प्रदेश बनाएंगे, जितने गुंडे माफिया उन्हें मिट्टी मिला देंगे और जीरो टॉलरेंस की नीति पर मांगा और हमें दोबारा सरकार में मतलब जनता ने भेजा, उन्हें हम पूरा विश्वास दिलाते हैं। आज ऐसे अपराधी जितने भी हैं, यही हम उस टीम को भी बधाई देते हैं, एसटीएफ को और डीएसपी को, कि उन लोगों ने अभिरक्षा में लेने का प्रयास किया और उन्होंने जवाबी कार्रवाई में जो भी कुछ हुआ है। गीता जो भगवत और जो पढ़ते हैं उसमें मतलब सारे चीज़ों का यही वर्णन है। बिल्कुल बिल्कुल ना, ये सब चीज़ें तो है ही हैं। जब पृथ्वी गोल है तो लौट भी कहीं ना कहीं अपनी करनी और क्या आनी है अपने साथ। लेकिन अब इस एनकाउंटर के दौरान किस तरीके से इस कहानी की शुरुआत हुई है, उसकी तस्वीरें एक बार आपको रिवाइंड करके दिखाते हैं। ये उमेश पाल हत्याकांड की तस्वीरें हैं जिसमें गुलाम और असद देखे जा सकते हैं। तो ये गुलाम शूटर है जो उमेश पाल हत्याकांड के दौरान वहां मौजूद था, तो वही दूसरी तस्वीर असद की है जिसको हम एरो के जरिए आपको दिखा रहे हैं, ताकि आज आप समझ सके कि आखिर इस दौरान एनकाउंटर किस किस का हुआ है। और ये एनकाउंटर की, ये आज के एनकाउंटर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इन दो लोगों का एनकाउंटर किया गया है, गुलाम शूटर और असद का एनकाउंटर किया गया है। तो ये उमेश पाल हत्याकांड की पहली तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, तो वहीं दूसरी तस्वीर जो आपके प्राइम टीवी के टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार चल रही है, ये उस पूरे हत्याकांड की तस्वीर है। तो वहीं दूसरी तस्वीर एनकाउंटर के बाद की तस्वीर है, ये आज की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। वही इस दौरान जो सफेद कुर्ते में जिसका एनकाउंटर किया गया है वो असद है, तो वही जिसका एनकाउंटर काले कुर्ते में जो आपको शख्स दिखाई दे रहा है उसका नाम शूटर गुलाम बताया जा रहा है। तो ये हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और ये दिखा रहे थे कि आखिर किस तरीके से इस पूरे कहानी की शुरुआत हुई है। इस पूरे कहानी की शुरुआत उमेश पाल हत्याकांड के बाद से हुई है जिसका, और इस पूरे मामले पर आज दो लोगों का एनकाउंटर भी किया गया। ये दो तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा और आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज जिन दो लोगों का एनकाउंटर किया गया है वो दो लोग कौन है। तो ये पहली तस्वीर उमेश पाल हत्याकांड की है।
तो वहीं अगर यूपी सरकार के आंकड़ों की बात करें तो 2017 से अब तक कुल 10,720 एनकाउंटर प्रदेश में हो चुके हैं। इसमें अतीक अहमद के बेटे असद अहमद, उसके गुर्गे गुलाम अरबाज और उस्मान चौधरी भी शामिल हैं। इसके अलावा कानपुर में पुलिस टीम पर गोलियां बरसाने वाले कुख्यात अपराधी विकास दुबे के गुर्गे के नाम भी शामिल है। अगर पिछले 6 साल की बात करें तो बीते साल पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का आंकड़ा सबसे कम रहा था, जबकि साल 2018 में सबसे ज्यादा 41 अपराधी मारे गए। इससे पहले साल 2017 में 28, साल 2019 में 34 और साल 2020 में 26। और अगर साल 2021 के आंकड़ों पर नजर डालें तो 26, जबकि पिछले साल यानी साल 2022 में 14 अपराधी मारे गए और साल 2023 में ही अब तक कुल 11 बदमाश मार गिराए गए हैं। तो ये थी कि हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कितने बदमाशों को मारा गया, और इस कहानी के जरिए हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि उमेश पाल हत्याकांड की जब से शुरुआत हुई अब तक इस पूरे हत्याकांड में क्या क्या हुआ, और आज जिन दो अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है यानी कि असद और गुलाम शूटर, किस तरीके से एनकाउंटर में उन्हें मार गिराया और क्या कुछ प्लानिंग एसटीएफ की थी और किस तरीके से आगे एसटीएफ काम करेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।